अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सबा मुकद्दस अपने नए व्लॉग के साथ। और ये जो व्लॉग है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदे में भी होगा। फ़ायदे में इस सेंस में कि आप लोग अपनी तो शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के बच्चे हैं बच्चों की भी शॉपिंग करनी है। तो मैं अपने बच्चों की शॉपिंग एक ही करके लाई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि अगर आपके पास भी बेबी और बाबा दोनों हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। अगर आपने स्टिच करने हैं तो फिर भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं, और अगर आपने बाय करने हैं, शॉपिंग वगैरह करनी है बाज़ार से जाकर शॉपिंग मॉल से, तो आपको तब भी आइडिया मिल जाए कि आप लोगों ने ये चीज़ें बाय करनी हैं। तो चलें मैं आप लोगों को सबसे पहले अपनी बेबी यानी बेटी की शॉपिंग दिखाती हूँ, वार्डरोब की तरफ चलती हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है शर्ट ऑरेंज कलर की, कलर कॉम्बिनेशन देखें। और इसके अलावा इसकी शोल्डर पे जो बैक शोल्डर है, फ्रंट शोल्डर है, वहाँ पे ये इलास्टिक का हल्का सा चुनट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, दोनों साइड पे, बैक साइड पे भी और आगे भी, ये देखें। और ये बटन लगे हुए हैं बड़े प्यारे से। इसके अलावा ये जो जब मैंने ये बाय किया था तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे यार ये इतना खुला सा है, ज़ाइना स्लिम स्मार्ट सी है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग उसको मोस्टली स्लिम स्मार्ट से कपड़े स्लिम से पहनाते हैं, तंग पहनाते हैं, ताकि वो खुले कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा यार ये इसके साइड पे ना डोरियाँ लगी हुई हैं कि आप इसको जितना मर्ज़ी टाइट कर लें, आपका बच्चा अगर हेल्दी भी है तो आप उस सेंस में भी इसको पहना सकते हैं। तो ये ज़ाइना का वो ड्रेस है जो कि हम लोगों ने ऑफस्प्रिंग से ख़रीदा था, और इसको मैं जीन्स के साथ भी पहना सकती हूँ उसको, और शॉर्ट पैंटी है अगर मतलब कैपरी वगैरह है तो उसके साथ भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। हाँ जी, पिछली शर्ट की आपने वीडियो भी देख ली होगी, अब नेक्स्ट शर्ट की तरफ चलते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपकी बेटी और आपके पास पिंक कलर ना हो? हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका पिंक कलर ना लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मोस्टली पिंक कलर जो है वो उससे वाइट करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। अच्छा, ये इसकी सिंपल शर्ट है, ये ऊपर लिखा हुआ है मोती एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा काम हुआ है, और बैक पे पेंट है, और गर्ल रूल लिखा हुआ है। ये मिनी माइनर की शर्ट है, सिंपल है, बैक कुछ भी नहीं है। ये इसको मैं जीन्स के साथ पहनाऊँगी, तो ये अभी आप वीडियो में भी आपको ऊपर नज़र आएगी ज़ाइना इसमें कैटवर्क करते। हाँ जी, नेक्स्ट शर्ट की तरफ चलते हैं। ये है जनाब, इसको बोलते हैं स्टाइल को ट्यूनिक स्टाइल, कुर्ती भी बोल सकते हैं, ट्यूनिक भी बोल सकते हैं, आपको आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा, इसको मैं पहनाऊँगी। फर्स्ट तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये आप स्प्रिंग की शर्ट है। दूसरे नंबर पे इसके ये देखें सारे बटन लगे हुए हैं, और ये पॉकेट्स बनी हुई हैं। बैक इसकी सिंपल है, हल्की सी ये बैक पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है। और जो अहम बात है, ये इसकी बेल्ट है, मतलब आप इसको टाइट भी कर सकते हैं, लूज़ भी कर सकते हैं। अगर इसके बगैर भी आप पहनाना चाहें तो आप इसको पहना सकती हैं। इसको मैं ज़ाइना का इसके साथ टाइट्स लेके आई हूँ, अभी वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ज़ाइना कैटवर्क करती है आपको वीडियो में नज़र आएगी। और ये शर्ट भी मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मेरी फेवरेट है। नेक्स्ट, ये इसके बाबा की चॉइस है, उन्होंने ये पसंद की है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चों के वाइट ना ड्रेस खरीदूँ, क्योंकि बच्चे गंदे बड़ा करते हैं और फिर वो जल्दी साफ़ नहीं होती। अच्छा, ये शर्ट जो है इसको ऊपर देखें लिखा हुआ है आई एम फैबुलस, और ये साथ स्टार बना हुआ है, सिंपल शर्ट है। ये मैं उसको जीन्स के साथ भी बनाऊँगी, और अगर मेरे पास ब्लू या ये इस मैरून कलर में टाइट्स हैं तो मैं उसके साथ भी पहना सकती हूँ। और इट्स अप टू यू, आप किसके साथ पहनाना चाहें, लेकिन ज़ाइना अभी आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी कि वो इसमें कैसी लग रही है, ऑसम लग रही है। हाँ जी, नेक्स्ट शर्ट की तरफ चलते हैं। ये है जनाब, इसका कलर देखिए कितना कूल सा कलर है, और इसके ऊपर हल्का सा ये देखें डिज़ाइनिंग हुई है, पेंट हुआ है, पेंट वर्क हुआ है, और ये डॉल बनी हुई है, डॉल नहीं है, फ्रॉक हल्का सा, उनको कलर बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अगर डिफरेंट कर लेते, ग्रे कर लेते तो बहुत अच्छा लगना था। बेबी गर्ल बनी हुई है और उसने फ्रॉक पहनी हुई है, ठीक है। ये शर्ट है, बाजू इसके सिंपल हैं, बैक पे सिर्फ एक बटन लगा हुआ है कि आपको इजीली आप उसको पहना सकें। ये ज़ाइना को मैं ब्लू जीन्स के साथ भी पहनाऊँगी, और अगर मैं चाहूँ तो इसको ग्रे, मेरे पास अगर ज़ाइना की कैप्री है, पजामा है, तो मैं उसके साथ भी इसको पहना सकती हूँ। अच्छा जी, शर्टें और ट्यूनिक वगैरह तो आप लोगों ने देखी हैं। ये इनकी पैंट्स हैं, ये टाइट्स है जो मैंने आपको पिंक वाली दिखाई है कुर्ती, उसके साथ में इसको पहनाऊँगी। ये ज़ाइना की पैंट है जो कि मैं शर्ट्स के साथ ऑब्वियसली इसको पहनाऊँगी।
ये ब्लू पैंट है और अच्छी ये मिल गई है। आपको पता है लड़कियाँ मोस्टली टाइट्स और उनको पैंट्स ही साथ पहननी होती हैं। ये ज़ाइना जो है कि मिक्स पैंट्स हैं, ये आपको वीडियो में भी पहनते हुए दोनों कैटवॉक करते हुए नज़र आएंगे। ये पैंट हाँ जी, अब मेरी बेटी की आप लोगों ने शॉपिंग देखी है, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कुछ पसंद आई होगी, साथ साथ आप लोग वीडियोस भी देख रहे हैं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं जुहेर की शॉपिंग की तरफ, यानी मेरे हीरो की तरफ। ये देखें जुहेर की, ये फिग वालों से हम लोगों ने बाय की थी। ये लास्ट 2 मंथ में जब छोटी ईद थी ना, तब हम लोगों ने ये बाय की थी। ये ड्रेस पैंट शर्ट है इसकी, तो मुझे जुहेर के पसंद है स्लीवलेस या हाफ स्लीव और साथ पैंटिंग, लेकिन जुहेर को बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसकी पैंट शर्ट हो। तो ये इसके बाबा ने इसकी चॉइस की थी और मैंने इसको नहीं थी बनाई, मैंने कहा चलो बड़ी इस पर ये काम आ जाएगी। और देखें इसकी कम्बिनेशन बड़ी अच्छी है, इसको आप वाइट पैंट के साथ भी पहना सकती हैं, लेकिन ब्लैक के साथ हम लोगों ने इसकी बाय की है। ये देखें इसके पॉकेट पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है, आप इसके भी हमें बाजू को आप शॉर्ट भी कर सकती हैं जिस तरह आपकी, और पीछे से बिल्कुल सिंपल है। और ये फिग वालों से हम लोगों ने बाई की थी, गुजरा वाला से। हाँ जी, नेक्स्ट जो है ये हमने फोरकास्ट से की थी। इसकी इतनी मज़े की स्टफ़ है, जितनी आप लोगों को कलर कम्बिनेशन अच्छी लग रही थी ना, लग रही होगी उतनी ही मज़े की मैं पकड़ के आप लोगों को बता सकती हूँ। बड़ी मज़े की स्टफ़ है इसकी, और मुझे ये बड़ी शर्ट इसकी मकबूल भी बड़ी ज़्यादा मिली है, मतलब अंडर 1000 मुझे इसकी ये शर्ट मिली है। और इस पर भी ये बटन लगे हुए हैं, आप इसको हाफ भी कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसको मैंने इस पैंट के साथ मैंने इसको पहना के देखा था, तो ये जो है इसकी बड़ी कमाल इसके साथ ड्रेसिंग है। इसी जो है अभी आपको वीडियो में चल के भी वीडियो में चल के आप लोगों को दिखाएगा कैसा लग रहा है। ये है जनाब जुहेर का कुर्ता स्टाइल, ये इसके बाबा की चॉइस है। और ये भी हम लोगों ने इसका ये ब्लू के साथ ही इसके साथ ही इसकी कम्बिनेशन की थी। मैं इसकी शर्ट ज़्यादा ले लेती हूँ, पैंट्स जो हैं वो एक दो लेती हूँ क्योंकि वो मैच हो जाती हैं, चल जाती हैं, और इसकी पैंटियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये कुर्ता स्टाइल है, ये देखें बैक पे इसका डिज़ाइन बना हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये शर्ट नहीं है, आप चाहें तो इसको वाइट ट्राउज़र के साथ भी पहना सकते हैं, अच्छा लगेगा। और कैजुअल्स ये है, ये ब्रेकआउट से हम लोगों ने ली थी, अच्छी शर्ट है। हाँ जी, ये देखें ये सिंपल सी शर्ट, हल्की सी यहाँ पर डिज़ाइनिंग हुई है, और ये मैंने इसको वाइट पैंटी के साथ इसको पहनानी है, मैंने पहना के देखी थी तो मैंने कहा चलो ये पहनेगा क्योंकि ब्लू के साथ ब्लू का मैच नहीं अच्छा लगेगा, तो ये वाइट के साथ मैं इसको पहनाऊँगी, ठीक है। और पीछे सिंपल है बिल्कुल, ये अभी वीडियो में जुहेरा आपको पहन के दिखाएगा कैसा लग रहा है मेरा बेटा। नेक्स्ट ये देखें कितनी प्यारी शर्ट बनी है, एक कैजुअल टी शर्ट है और इसकी स्टफ़ बड़ी मज़े की है। ये भी ब्रेकआउट की है, ब्रेकआउट की बहुत अच्छी स्टफ़ भी है और उनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें एक कॉलर पे डिज़ाइन बना हुआ है और 3 कलर की कम्बिनेशन है। ये देखें सुपर लिखा हुआ है और ये शर्ट पे भी चैम्पियन 50 लिखा हुआ है। बैक पे सिंपल है, ये यहाँ पे डिज़ाइनिंग आप लोगों को साइड पर नज़र आ रही होगी। इसको भी मैं इसको वो ब्लू जीन्स के साथ भी पहना सकती हूँ, ब्लू पैंटी के साथ भी पहना सकती हूँ क्योंकि यही अच्छा लगेगा लड़कों को। आपको पता मोस्टली ब्लू होते हैं, लेकिन शर्ट्स में इसकी वैरायटी जो है वो इस दफ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी है। लड़कों की अमूमन लड़कियों की ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन मुझे इस दफ़ा लड़कों में भी बहुत अच्छी वैरायटी और कलर कम्बिनेशन शुक्र है कि चेंज आए हैं ब्लू से हट के शर्टों में। ये नेक्स्ट शर्ट, हाँ जी, ये भी ब्रेकआउट से हम लोगों ने ली थी और आप इसको वाइट के साथ भी पहना सकती हैं, जीन्स भी पहना सकती हैं। और इसकी कलर कम्बिनेशन देखें, ये ग्रे, ऑरेंज, नेवी ब्लू, और ये ऊपर ये देखें ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है, हैव अ फन। और ये लास्ट में है ज़ाइना की पैंट, ये उन्हीं शर्ट के साथ जिनके साथ मैंने आपको दिखाई थी, ये उनके साथ इसकी पैंट है। और ये देखें इसके ऊपर हल्की सी ये उन्होंने डिज़ाइनिंग की है, और ये देखें ये स्टार बना हुआ है और मशीन की मेरे हाथ में हल्की ये धागे का काम हुआ। पैंट को हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं, अगर आप लोग कैप्टी बनाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर फुल करना चाहें इसकी पैंटी तो आप फुल भी कर सकते हैं, ये आप पे है, यहाँ मेरे पे भी है, मैं जैसे उनको पहनाऊँगी
अभी मेरे बच्चे आप लोगों को वीडियो में चल के आप लोगों ने इनकी देखी वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को, कौन सा कलर बहुत ज़्यादा जायना का अच्छा लगा, जुबेर का अच्छा लगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कौन सी मैचिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीलॉग के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।